हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नेहा, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले टाइटल पढ़ देती हूँ मैं, क्या टाइटल है। सो टाइटल है वेरी इमोशनल बयान हज़रत उमर का दौरे खिलाफत। तो हज़रत उमर जहाँ तक मुझे पता है आई थिंक प्रॉफिट थे, अगर कुछ गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में इसकी करेक्शन आप कर देना, क्योंकि आप करते भी हो बहुत सारे वीडियोज़ में। सो उनका ये बयान है एंड बयान है बाय रजा साके मुस्तफ़ा जी। सो आपने आई थिंक एक बयान सुना है पहले। एक बयान सुना, लाइफ चेंजिंग बयान था और उस पर रिएक्शन कर चुका हूँ मैं पहले, उसके बाद बंद कर दिया। तीन चार मतलब स्कॉलर्स हैं, वो रिएक्शन बहुत सही है, मैं देखा आपका। सो आप जाके वो देखो, उसको चेक करो, आपको वो रिएक्शन पसंद आएगा। चैनल मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे मैम। सो लाइफ चेंजिंग बयान है, सो आप लोग वो बहुत कमाल का था। उन्होंने उसमें आई थिंक अपने मम्मी पापा के लिए कहा था, वो इनका था या मतलब इनका था। माँ बाप के लिए कि वो मतलब जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है, बुरा कह रहा है, वो कितना दुर्भाग्य व्यक्ति। अपनी लाइफ चेंज करो, अपने थॉट्स, अपने सब कुछ अच्छे करो। और ये वाला वेरी इमोशनल बयान, मतलब इमोशनल होने वाला है। हज़रत उमर का ईमान लाने वाला बयान हमने ढूंढा, लेकिन वीडियो वो रिमूव कर दी गई है यूट्यूब से। देन ये वाली वीडियो हमें मिली है एंड होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी ये। और अगर आप चाहते हो कि हम साथ में जो है रिएक्शन करें सो बताना, कमेंट करके बताना, क्योंकि हमें सिर्फ एक दिन मिला है, सिर्फ आज का दिन, वो भी थोड़ा टाइम भी बचा है। और आई थिंक तीन चार वीडियोस बन पाएंगी बड़ी हद से। और अगर आप प्यार करते हैं वीडियोस को, मतलब अनबिलीवेबल लव मिलता है अगर, है ना, कि बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, हमें खुशी होती है देख के। सो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठे होकर रिएक्शन कर पाएँ इन सब वीडियोज़ पे। सो प्लीज़ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्यार करना, सो दैट हम मतलब कुछ ऐसा कर पाएँ कि हम इकट्ठे होकर ऐसे ही रिएक्शन कर पाएँ और बहुत सारी वीडियोज़ देखें। और आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी है कि आप मेरी हर एक बात का जवाब देते हो कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे बहुत 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 पसंद आता है। लेकिन रिस्पॉन्स नेहा की वीडियोज़ पर बहुत कम आ रहा है, और ये दो तीन बार हो चुका है। पहले आया, फिर नहीं आया, फिर आया, और अब फिर से नहीं आ रहा। और आप छोड़ दे रहे हो, सब्सक्राइबर देखा जाए तो सब्सक्राइबर के हिसाब से व्यूज बहुत कम है ना, लगता नहीं कितने सब्सक्राइबर। बस आपने एक काम करना था, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो अगर 20 मिनट की है तो 20 मिनट तक पूरी देखनी होती है। बस इतना काम करना, लाइक और लास्ट तक वीडियो देखनी है। खुद ब खुद प्यार मिलेगा, खुद ब खुद रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई मैं कमेंट करने के लिए नहीं कह रहा ज़्यादा, एक आधा कमेंट कर दिया करो अपने प्यार से, और बाकी शेयर करने के लिए भी नहीं कह रहे हम। बाकी चैनल सब्सक्राइब आपका अपना है, जब भी आप देखना चाहते हो तो आपको वीडियो इजीली मिल जाएगी। आपका अपना चैनल है, इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। काश कोई दिन आए कि हम सभी इकट्ठे सेलिब्रेट करें, हम पाकिस्तान आए या जो भी होगा, जैसा भी होगा, तो करेंगे बहुत जल्द। बाकी प्यार करते रहें, और मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही है, वहाँ भी देख लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊँ ऐसे बयान पे, तो बनाऊँगा, कमेंट करके बताना। करो स्टार्ट। أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے سمجھ آتی ہے اردو تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے اللہ اکبر زنیرہ نامی ایک خاتون تھی بہت کمزور راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا عشق رسول تھا اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں یہ اسلام لانے کے پہلے کی کہانی ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام ذرا تم آؤ عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں اسے مارتے 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 تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتا اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے اللہ اکبر تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے زنیرہ کو بڑا مارا آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بےتاب ہے اور کہتا ہے آؤ بھائی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں تمہیں بتانے آیا ہوں زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تو
तुम तो बड़े उस दिन जोशो गजब में थे और तुम मारते हुए थकते नहीं थे। तो उमर ने कहा, जुनैरा उस दिन मैंने देखा नहीं था, अब मैं मोहम्मद अरबी को देख आया। जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख्या हो ते बोल दे, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर का ईमान लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का सबब था, उनका हिजरत करना मुसलमानों की नुसरत थी और उनकी खिलाफत मुसलमानों के लिए रहमत। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं कि मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों जब नेक लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का तज़किरा जरूर किया करो। मेरा उमर वो है कि जब वो एक समझ से आ रहा हो, एक गली और बाजार से आ रहा हो, तो शैतान भी आ रहा हो, उमर को देख के रास्ता तब्दील कर लेता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत के अंदर जो जाहो जलाल था, तबीयत के अंदर जो सख्ती थी, वो इस्लाम के अंदर आकर भी कायम रही। और आपने वही सख्ती, वही जाहो जलाल जो पहले मुसलमानों के खिलाफ था, अब कुफार के खिलाफ, मुनाफिकीन के खिलाफ हज़रत उमर की तबीयत के अंदर वो जोश व खरोश बदस्तूर मौजूद है। लेकिन जिस दिन आप खलीफा बने तो उस दिन आपने मिंबर पे चढ़ के जो खुतबा दिया उसमें कहा, लोगों मैं सख्त इसलिए था कि रसूलुल्लाह नरम थे, फिर मैं सख्त इसलिए था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नरम थे, अब मैं तख्त खिलाफत पर बैठा हूँ, अब मेरी सख्ती जो है वो नरमी में तब्दील हो गई, सिर्फ फासिकों फाजिरों और बागियों के लिए मैं सख्त हूँ, बाकी तुम्हारे लिए नरम। सबसे कम जो तनख्वाह बैतुल माल से अगर किसी वजूद ने ली है तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने, सिर्फ दो जोड़े लेते थे साल में। और रावी कहता है कि मैंने देखा है कि उसमें भी 17-17 पैबंद लगे होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तर्ज़ ज़िंदगी, आपका अंदाज़ मुआशरत और आपका अंदाज़ खिलाफत, हर लम्हा आपकी ज़िंदगी का उठा के देखिए कितनी मरतबा कुरान हज़रत उमर की राय के मुताबिक नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको साहिब इल्हाम बनाया था। हर उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है, हुजूर की उम्मत का साहिब इल्हाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। और आका करीम ने उन्हें अपना वज़ीर करार दिया, फरमाया मेरे दो वज़ीर आसमानों में हैं, दो वज़ीर ज़मीनों में हैं। आसमानों के वज़ीर जिब्राइल और मिकाइल हैं और ज़मीन के वज़ीर अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। एक दिन हज़रत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा, हज़रत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूँ कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर, 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है, लेकिन कहाँ से चले और यहाँ मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक आपके सल्तनत की हदूद वसी, उधर आर्मीनिया तक जा पहुँचे, हमस फतह किया, कादसिया, यरमूक, आप जरा देखिए कि कहाँ तक आपकी फौजों के घोड़े दौड़ते रहे। और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उनको जो तवानाई, अदल व इंसाफ की कुव्वत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब ज़मीन पर अदल किया हो तो ज़मीन भी हुक्म मानती, और हज़रत उमर वो थे जिनका हुक्म हवाएं भी मानती थी, ज़मीन भी मानती थी, जिनका हुक्म जो है वो आग भी तस्लीम करती थी और दरिया भी उनका हुक्म माना करते थे। मिस्र के अंदर ये रस्में बद जारी थी कि साल के बाद एक दो शीज़ा को जेवरात पहना के अच्छे लिबास में मलबूस करके दरिया की भीड़ चढ़ाया जाता, उसकी कुर्बानी दी जाती, उसका खून बहता तो दरिया चलता। जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया तो गवर्नर ने लिखा कि इस्लाम तो इस तरह की रसूम की इजाज़त नहीं देता, लेकिन खुश्क साली है, लोगों की फसलें वीरान पड़ी है, तो हज़रत क्या किया जाए? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कागज़ के टुकड़े पे लिखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
मिस्र के नील की जानब उमर का खत। लिखते हैं, ऐ नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चला करता है तो चल, वरना हमें तेरे चलने की कोई हाजत नहीं। और कासिद को कहा, ये खत ले जाओ और जाके दरियाए नील में फेंक दो। कासिद जाके खत दरियाए नील में फेंक देता है, पानी आता है। ऐसा दरियाए नील चला, 14 सदियां हुई हैं, आज तक कभी बंद ही नहीं। दरिया हुक्म मानते, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है। अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाए। जलजला आता है तो जमीन पे दुर्रा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर है रजी अल्लाह ताला अन्हो के, जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत, उसकी बरकत का नजूल होता था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया, फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। बाहर से सफीर आता है और आके पूछता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के, मुसलमानों के हुक्मरान के महल में जाना है, तो मुस्करा के कहते हैं, हमारे अमीर का तो कोई महल नहीं है। कहा, कहाँ है तुम्हारा अमीर? कहा, मस्जिद नबवी में होगा या बैतुल माल की ऊँटों की देखभाल में लगा होगा। वो जब गए तो मस्जिद में नहीं है, अल्लाह अकबर, वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं है। फिर क्या देखते हैं कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त के नीचे ईंट का सराना रख के सोए हुए। तो उसने कहा, उमर तूने अदल किया है, तुझे कच्ची ईंट पे भी नींद आ गई, हमारे हुक्मरानों ने इंसाफ नहीं किया, और वो बंद और महफूज कमरों के अंदर भी सुकून और चैन की नहीं सो सकते। हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरह उन उमूरे सल्तनत निभाए। आप दिन को लोगों की देखभाली करते, लोगों की जरूरियात सुनते समझते, और जब रात पड़ती लोग सो जाते, उमर मदीने की गलियों में पहरा देते। कायनात ने कोई ऐसा भी हुक्मरान देखा होगा? अल्लाह अकबर। वो मुजाहिद जो मुख्तलिफ महाजात पे गए हुए होते, उनके घरों की देखभाली करते, उनकी जरूरियात का ख्याल रखते, उनकी आबरू का पहरा देते, रातों की तन्हाइयों के अंदर हजरत उमर उठते और जाके गश्त करते, चक्कर लगाते, देखते कोई आंख पर नम ना हो, मुफलसी का किसी घर में मातम ना हो। तो ये थी वीडियो हजरत उमर का दौरे खिलाफत एंड हजरत उमर की, जो जो उन्होंने बातें बताई हैं, हाँ, बहुत कमाल की बताई हैं। एक आपने मोबाइल नोटिस करी जहाँ पे, हाँ, हमने रिएक्शन भी दिया उस पर, एक कि पानी वाला सीन था ना, जहाँ पानी खत्म ही नहीं होता, खत्म ही होता, 14 बरस हो गया कुछ, और अब मतलब कहीं पर एक आग वाला था कि मेरा कपड़ा दिखा देना, वो वाला चमड़े वाला, तो आग मतलब पीछे की चले जाए। तो ऐसे ऐसे किस्से भी होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, एंड ऐसी बातें हमें नहीं पता चलनी थी अगर आप लोगों के साथ हम नहीं जुड़ते तो, क्योंकि इन्होंने हजरत उमर के बारे में बताया है। सो हजरत उमर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट ही थे, बट थोड़ी सी रोंग हो सकती हूँ शायद, आप बता देना कमेंट्स में, अब हो सारे बताने के लिए। हमें रज़ा साकी मुस्तफ़ा जी का बयान जब हम सुनते हैं ना, तो इनकी ना एक अलग सी आवाज़ है। मैं और मतलब मैं पर्सनली, मेरे को जो मौलाना तारिक जमील जी हैं उनका बयान और रज़ा साकी मुस्तफ़ा जी, इनका बयान दोनों का अच्छा लगता है मुझे सुनने में। और मौलाना तारिक जमील जी तो अपने हर बयान में बहुत 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 इमोशनल होते हैं, मौलाना तारिक जमील जी। और आज ये भी एक टाइम पर हो गए थे, लेकिन फिर थोड़ा ठीक हो गए बाद में। तो ये बयान था एंड हमें जो है बयान बहुत अच्छा लगा, तो हजरत उमर के बारे में जानने में सही लगा। एंड आपको कैसी लगी वीडियो? बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये चीज़ वीडियो के साथ होती, मतलब ये लाइव होता बयान, मतलब ये भी वीडियो में थे, तो मतलब मज़ा आता। तो एक्सप्रेशन के साथ ही मतलब और ज़्यादा मतलब फील होने लग पड़ता है। और एक चीज़ है कि जो मैं सोच रहा था वो इस टॉपिक से अलग थी, मैं ये सोच रहा था कि अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक हो जाए, बीच में ये मेरे दिमाग में छोटा सा कंसेप्ट आ गया था कि अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक हो गए, मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ हो जाएंगे, फिर 10,000 लाइक हो गए है ना, 10,000 लाइक हो गए, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि मैं और नया वीडियोज़ कहाँ बनाएंगे, मतलब ये रोज़ आएगी या मैं करूँगा, मैं ये चीज़ें सोचे जा रहा था बीच में, छोटी छोटी मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा ध्यान चला जा रहा था मेरा।
उम्मीद तो नहीं है बिल्कुल इस चीज़ की। 10,000 बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात बहुत है, बड़ी और बात आज है। तक कभी हुआ नहीं है हमारी किसी वीडियो पे 10,000 व्यू होना। मतलब 10,000 व्यू आए तो मतलब सोच लो कि 7-8 लाख तो नहीं, मतलब 4-5 लाख व्यूज़ आ गए, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, कभी नहीं हुआ लाइफ में। देखो क्या होता है ना। बाकी फिलहाल ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताते जाना कि जो भी रिएक्शन चाहिए होंगे नेहा ज़रूर प्रोवाइड करेगी। अगर वीडियो पे रिस्पॉन्स ज़्यादा रहे तो हम इकट्ठे प्रोवाइड करेंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।